जरूरत नहीं होगी। सो गाइस रिसेंटली मैंने रूट्स विजिट किया था, तो जिसका वीडियो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जाने की पहले जान लेनी चाहिए, वरना बहुत 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 सारी दिक्कत सही है कि नहीं वहाँ पे आप टू व्हीलर कहाँ पार्क करोगे, आप फोर व्हीलर कहाँ पार्क करोगे, अगर आपके पास ड्राइवर है तो ड्राइवर का क्या सीन है, आपके पास हेलमेट होते हेलमेट को आप ऊपर नहीं लेके जा सकते हो, लाउंज में आप नहीं लेके जा सकते हो रूफटॉप प्लेस में, और दो पर्सन्स के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए बिलिंग अमाउंट, शीशा की अलाउड है कि नहीं, क्या चार्जेस हैं, एंड साथ में लिक्विड एंड ऑल। मैंने पूरा मेन्यू भी शेयर किया है मेरे पूरे वीडियो में गाइस, और मैं सारे वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगी, साथ में ये भी रहेगा स्टैग एंट्री यानी कि जो सिंगल। सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोकेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक साइड मोड़ आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से आपको ठीक उसके ऑपोजिट में हल्दीराम दिखेगा। हल्दीराम से राइट लेने के बाद एक दो बिल्डिंग के बाद ही आपको दिख जाएगा रूट्स। एंड ये देखो यहाँ पे लेफ्ट में हल्दीराम है, एंड यहाँ पे मेट्रो जो स्टॉपेज है उसका नाम है रविंद्र सदन। मेट्रो अगर आप आओगे तो वो सबसे ईजीएस्ट होगा। तो गाइस हमें आके जो सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो था फोर व्हीलर पार्किंग के लिए। तो पहले तो उन्होंने पार्किंग करना ही नहीं था, वो बता रहे थे कि आप खुद से करिए, उसके बाद वो एग्री हुए जब देखे कि कोई भी ड्राइवर हमारे साथ नहीं है, तो फिर उन्होंने पार्क करके दिया। और अगर आपके साथ ड्राइवर रहते तो वो आपको ड्रॉप करके जा सकते, फिर पिकअप करने आ सकते, और एल्स वो कहीं नेक्स्ट अपने पे करके उनको खुद अपना पार्किंग का जगह बना लेना होगा। ओके सो सेकेंड टू व्हीलर पार्किंग के बारे में बात कर लेते। अगर आप आते हो तो हेलमेट आप बिल्कुल नहीं कैरी कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको नीचे एंटर करते साथ ही जो डेस्क दिखेगा वहाँ पे आपको बात करके अपने हेलमेट्स को जमा कर देना होगा। एंड तीसरा चीज़ ये है कि आप जैसे ही एंटर कर रहे हो तो आप लेफ्ट से जाना, एंड आपको लिफ्ट मिलेगा। तो लिफ्ट में जैसे हमने गलती किया था, हमने फिफ्थ फ्लोर प्रेस कर दिया था, एंड हमको एक बाई स्टेयर्स आना पड़ा ऊपर, तो वहाँ पे आर्ट से समझ में नहीं आया था, बट वो रूफ टॉप का साइन था। एंड आप डायरेक्ट आर अगर प्रेस करते हो तो आप सीधा कैफ़े में पहुँचोगे। तो सो गाइस ये एक रूफ टॉप कैफ़े ही नहीं है, ये साथ में लाउंज एंड रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे क्लबिंग भी होता है जो कि स्पेसिफिक डेज में, जैसे वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, वीकेंड्स में यहाँ पे क्लबिंग भी होते हैं, लाउड म्यूज़िक और डीजे आपको हर वक्त ही मिलेंगे, बट जो रश होता है वो उस डेज में होते हैं। ओके गाइज ये है रूफ टॉप सेक्शन, जहाँ पे आप बाहर आउटडोर सेक्शन है यहाँ पे, और ये इंडोर सेक्शन है इनका। ऊपर में भी बहुत बड़ा प्लेस है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाता है, मॉकटेल, कॉकटेल्स, फूड और साथ में शीशा भी। तो आगे हम लोग फूड के बारे में, फूड के क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड साथ में आपको और बहुत सारी जानकारी देंगे। तो गाइज वीडियो ओके गाइस तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ भी आपको पूछना है, आपके मन में क्वेरीज़ है तो जो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ शायद, तो वो आपको मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। एंड यहाँ पे जो हम लोग जा रहे हैं ये प्राइवेट सेक्शन है अलग से, तो यहाँ पे आप कोई भी आप पार्टीज ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, इसके लिए अलग चार्जेस होगा डेफिनेटली, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो आपको गूगल से नंबर लेके आप वहाँ से इंक्वायरी करके पूछ सकते हो यहाँ पे क्या अलग से प्राइस है नॉले पर। आप पहले इस प्लेस को अच्छे से देख लो, ये आपको सेवन फ्लोर का व्यू मिलेगा, व्यू तो बहुत ही लाजवाब है इसका भी। तो गाइस ये पूरा जो कैफ़े है ना, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग, जैसे प्राइवेट अलग से रूम मिलेगा जहाँ पर आप ग्रुप के साथ भी बैठ सकते हो, और यहाँ। और गाइस अब मैं इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ, जो बेस्ट एंड बेस्ट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सामने में विक्टोरिया, यहाँ पे बैठ के आपको नाइट शो भी दिखेगा, साथ में ये सेकंड हुगली ब्रिज भी है, और साथ में ये कैथलिक चर्च भी है, और कथा के बेस्ट एंड बेस्ट हिस्टोरिकल चीज़ों में से माना जाता है। ओके गाइस सो अब थोड़ा बहुत स्टैग एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिंगल आए या अपने फ्रेंड्स के साथ आए, क्लबिंग डेज पे आए, तो आपको वेल ड्रेस्ड होना पड़ेगा, आपको शूज़ वेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर शॉर्ट्स में या स्लीपर्स में आ गए तो वो आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, जिसमें कि वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो प्रोफाइल चेक में अगर आप सही रहे, उनको लगा, तो फिर वो एंट्री देंगे, वरना वो एंट्री नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है।
एंड दूसरा चीज़ ये है कि जैसे फेस्टिवल डेज होता है ना, जैसे वैलेंटाइंस डे अभी किया तो दुर्गा पूजा हो गया, या कुछ भी जो जिस जो ओकेशन में डेज रहता है हम लोग प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे जैसे न्यू ईयर एंड ऑल, तो उसके लिए यहाँ पे कपल एंट्री जो है मैंने अभी तक तो सुना है 4000 अराउंड है, बट वो ओकेशंस में आप खुद कॉल करके एक बार और कन्फर्म कर लेना कि कितना हो सकता है। तो प्लेज़ तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। मेन्यू भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो ये हमने सबसे पहले एक चिली मैरी मॉकटेल ऑर्डर किया था, चिली मैंगो मैरी, जो कि 295 रुपीस के अंदर था। ऑलमोस्ट सारी मॉकटेल्स के प्राइस 295 रुपीस का ही था। एंड ये मैंने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने ये, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा, जो कि हम लोग आम पन्ना पीते हैं, कच्चे आम के पन्ने, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। तो उसके लिए 300 रुपीस, बट प्लेस के अकॉर्डिंग अगर आप पे करोगे तो इट्स ओके, ये ठीक है। बताओ कैसा है, हाउ इज इट? फर्स्ट हमने यहाँ पे एक बटर मिल्क फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, जिसका प्राइस अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 425 रुपीज़ के आसपास था। तो ये एक बाहर से ब्रेड क्रम्ब से फ्राइड था, अंदर में चिकन था ही यूज़ किया गया था। तो 5 to 6 पीसेस काफ़ी अच्छे चंक्स थे इसके, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था इसका। एंड साथ में इसका जो टेस्ट था स्पेशली इस फ्राइड चिकन का, वो एकदम प्लेन जैसा लग रहा था, बट ये मेयो सॉस एंड वो ग्रीन चटनी जो था, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा स्पाइसी, उसके साथ बहुत ही अच्छा जा रहा था। साथ में इन्होंने थोड़ा सा चिप्स दिया था, जो हमें लगा था पोटैटो चिप्स है, बट ये एक सन ड्राइड चिप्स था, तो जो खाते खाते हमारे जबड़े बिल्कुल दर्द हो गए थे, क्योंकि गाइस ये चिप्स बिल्कुल स्वैगी था और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं था इसीलिए। सो नेक्स्ट गाइस, हमने यहाँ पे एक मीशो ग्रिल्ड फिश ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा सा गार्निश होकर हमारे सामने आया, तो हमारे एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा था। बट गाइस, अगर जिन्होंने भी ये सॉस पहले ट्राई नहीं किया है, मीशो सॉस, तो वो बिल्कुल भी इसको ट्राई ना करें, इसका टेस्ट बहुत ही अलग था, बहुत ही अजीब था, स्पेशली इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। तो गाइस हम में से कोई इसको खाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर हम अपना प्रॉब्लम जो है मैनेजर और स्टाफ से शेयर किए, तो बहुत ही अच्छे थे वो लोग, वो लोग समझे और उन्होंने इस चीज़ को रिटर्न किया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मैम, हम अपनी तरफ से कुछ बना के दे रहे। देन उन्होंने ये लेमन बटर सॉस हमें दिया है, फिश, ग्रिल्ड फिश, जो कि इतना ज़्यादा यम था गाइस, हमारे प्लेट में आते साथ ही कुछ ही सेकेंड में ये फिनिश हो गया। और गाइस मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि ये तो मस्ट ट्राई है, बट ये मेनू में नहीं है, आप आके खुद से अगर बोलोगे कि मुझे ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस में चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा। और इस ग्रिल्ड फिश के लिए इन्होंने फ्रेश फटकी इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग फिश था, एकदम फ्रेश था और बहुत ही अच्छा थिक चंक था, तो ये वर्थ ऑफ मनी था गाइज, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये आपको बहुत पसंद आएगा। गाइज अगर आप किसी ओकेशन के लिए आ रहे हैं तो आप पहले से अपना टेबल रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडी हो जाता है बाहर आउटडोर सेक्शन में, अंदर तो आपको खाली ही दिख रहा है। एंड ये वेडनेसडे एंड ऑल में क्लबिंग के लिए होता है, तो क्लबिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको बस आना है एंड जो भी आपका बिलिंग है वो अमाउंट पे करना है। एंड डेफिनेटली ध्यान रखें कि वेल ड्रेस्ड आना है गाइज, तो मुझे ये पर्सनली प्लेस और एम्बियंस के लिए मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप मस्ट ट्राई ये, विजिट करो, ये आपको बिल्कुल फॉरेन वाला फील देगा, फॉरेन के कैफेज़ की तरह। एंड यहाँ पे 10 out of 10 में सिर्फ और सिर्फ इसके एम्बियंस के लिए, इंटीरियर एंड इस प्लेस के लिए देना चाहूँगी, बट फूड के लिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, बट इनके स्टाफ के बिहेवियर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उसके लिए 10 out of 7 है, मेरी खुद की ये ओपिनियन है। गाइज वीडियो कैसा लगा बिल्कुल मुझे कमेंट में बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। एंड आज के लिए गाइज बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक अगले वीडियो में, और मेरे चैनल में आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कोलकाता के दी बेस्ट रूफटॉप कैफेज़ के खोज मिलेंगे, चीपेस्ट कैफ़े के बारे में पता चल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो गाइज हमारा टोटल बिल सर्विस टैक्स के साथ में 172 एक्स्ट्रा रुपीज़ था, सर्विस टैक्स उसके साथ 2400 रुपीज़ आया था, फिर हमने उसको रिमूव करवाया तो वो करीबन 22
टू पॉइंट समथिंग में आया हमारा बिल, तो उसके साथ सिर्फ था एक शीशा, एक मॉकटेल एंड दो फूड. तो जो फिश हमने रिटर्न किया उसके लिए चार्ज नहीं लिया गया था, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग गाइज. तो गाइज अब बता देते हैं 2 पर्सन के लिए मिनिमम बिलिंग यहाँ पे क्या आ सकता है कि आप अगर 2 तरीके का फूड और 2 मॉकटेल्स लेते हैं तो आपको अराउंड 1200-1300 के करीब आएगा. और बाकी तो मैंने सारा चार्जेस आपको अलग अलग से बता दिया है. बेवरेज का यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है, लाइक 495, 600, 700 इस टाइप के प्राइस है, वो भी मैंने दिखा दिया है. आप बस पॉज करो, जूम करो, आपको सारी चीज़ का प्राइस पता चल जाएगा. इनका मेन्यू थोड़ा हटके है, तो मेन्यू ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो ही अच्छा है, बिकॉज फूड भी प्राइसी है. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर से बता रही हूँ, वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर हम मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइज हमें कमेंट में भी बताएं. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में. वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज.